गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी ठीक ही है एक्चुअली। इतने दिनों के बाद अब जाके बारिश रुकी है तो मन को थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना इतने दिनों से बारिश हो रही थी, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है इस बार हिमाचल में कि वो देख देख के मन खराब हो रहा था। बट आज मौसम अच्छा था, मन भी अच्छा हुआ, तो सोचा आज ब्लॉग भी करते हैं। और मैं बना रहा हूँ मूसली अपने लिए, बनाना डाल के, जो नैना नहीं खाएगी, सिर्फ मैं ही खाऊंगा। मैं बनाऊंगी अपने परांठे गर्मा गर्म, उदे नाल चाय और मक्खन। आज इतनी खुशी हो रही है, जैसे सन रेज आ रही है, ऐसी पॉजिटिविटी ऐसी फील हो रही है। आगे बाहर चलते हैं, ठीक है, मॉल चलते हैं यार। आज हम जा रहे हैं मॉल, और मैं लगवाऊंगी मेहंदी। आज फाइनली नैना को मेहंदी लगाने को मिलेगा। पैदल जाना, पैदल गाड़ी लेके जाना। एक है मैं बोल रही हूँ, आज मैं हर हाल में मेहंदी लगा के आऊंगी। अगर मुझे मेहंदी नहीं लगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। पूरा सावन निकल गया, मैंने मेहंदी नहीं लगा। अब लो, मेरी बात तो पूरे घंटे भर चलेगी। ये लो मेरे परांठे यहाँ रखे, मेरे तो खाना नहीं है ना। यार मुझे लगा कि मेरा मछली से पेट भर गया तो मैं परांठे नहीं खाऊंगा, बट अब खुशबू इतनी बड़ी आ रही है। ये बोल रहे थे ना अभी रजत, कहता कि एक नौकरी ऐसी भी है जो गद्दों की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने एक ऐसी नौकरी निकाली है कि बस इन गद्दों पे सो के देखना है। वो कंफर्ट चेक करते हैं गद्दों का, कितना कंफर्टेबल है, और उस बेसिस पे आई डोंट नो अब होता है मैनुअली नहीं, पर पहले मैनुअली होता था। तो जैसे मैं बता रहा था, मम्मी वगैरह बोलते ये नौकरी तो अच्छी, हम भी कर सकते हैं। मैं तो टॉप करूंगी इस नौकरी में। उन गद्दे वालों को बोल दो कि हमारी मम्मियां तैयार है। तुम तो खाने वाले नहीं थे यार, इतना बढ़िया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अचार खाने की आदत निकाली है, आपने मेरे को अचार दे दे के मम्मी इतना भी नहीं है। रजत की मम्मी बहुत बढ़िया अचार बनाते हैं, और फिर वो बना के मेरी मम्मी को भेजते हैं, और मम्मी कह रहे हैं उससे मैं खा खा के मोटी हो जाती हूँ। जहाँ मुझे एक रोटी खानी होती है वहाँ मैं दो तीन खाती हूँ। क्या धूप आई है आज, इस धूप का इंतजार हमने इतने दिनों से किया है। शिमला में आपको पता है कितना बुरा हो रहा है, इतना नेगेटिव सा माहौल हो गया था ना, लेकिन ये धूप से जो पॉजिटिविटी आई है, ओहो, आई कांट रिजिस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ माय हाउस टुडे। मतलब इतने दिनों से हम घर पे ऐसे बंद हो गए थे, बट आज तो हम जरूर जाएंगे, थोड़ा मॉल पे निकलेंगे, हम जाएंगे बाहर। और ये इतने दिनों से बोल रही है कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो आज मैं पक्का इसे मेहंदी लगा कर रहूंगा। नैना धूप इतनी अच्छी लगी, एक शिफ्ट कपड़ों की धोले प्लीज। धो लो धो लो, पहले ये दिखने कितने सारे कपड़े यहाँ पे, ये सुखाने को बचते हमारे, क्योंकि इतने दिनों से धूप नहीं थी, अच्छे से सूखे नहीं थे। इस रजत को तो ऑब्सेशन है कपड़े धोने का, पर तुम इनको बाहर कर दो। नैना तुम कंप्लेंट करती रहती हो ना, मैं तुम्हें डिनर डेट पे नहीं ले जाता, लंच डेट पे नहीं ले जाता, तुमको आज लंच डेट खिलाऊं? लंच डेट खिलाऊं? हाँ ले चलो, खिलाओ लंच डेट। यार रजत कितना बुरा था ये, ले डेट खा। मुझे नहीं खानी थी। पार्सल आया हमारे घर, पार्सल आया, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। मुझे बड़ी खुशी होती जब पता नहीं होता पार्सल क्या ऑर्डर किया है, कब ऑर्डर किया था, पर वो राखी का आया कैसी, तो तुम्हारी किसी बहन ने भेजा होगा रजत। ढक्के देखते हैं, जहर तो नहीं आया। रजत किसने भेजी, तुम मजे से खाने भी लग गए हो। हमारे घर एक पार्सल आया। ये तूने भेजा है? तो अभी तो राखी है नहीं, रुक लेती राखी तक, इतनी टेस्टी है ना शाही। और मैं सोचू इसमें ना राखी है कुछ भी नहीं है, खाने दे। अरे वाह, और पता है मुझे लगा पता नहीं किसने भेजा, और मैं जानबूझ के रजत को छेड़ रही हूँ, किसी बहन नहीं भेजा होगा, तुम्हारी बहन ही भेज सकती, चलते सावधान भेजेगा। हाँ हाँ यार ये बड़े टेस्टी है। मैंने बोलती किसने भेजा, मैं कहा कोई नहीं मेरे को बहनों से पता करने दे। डर गया रजत, घबरा गया, मैंने कहा तेरी बहन ही होगी कोई। गर्लफ्रेंड राखी के आसपास नहीं, वैलेंटाइन के आसपास भेजती है। अगर फेब के आसपास भेजा होता ना तो मेरे शक के घोड़े दौड़ते हैं, अभी नहीं है मुझे शक। मैं सोच रही हूँ क्या पहनूं, सूट पहन ले। अरे वैसे मुझे सूट पहनना अच्छा लगता है, रुक जा ये वाला ये पहनूं। हाँ मेरे साथ जाएगा। और वैसे भी क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगानी है, आज मैं अपना सावन सेलिब्रेट करने वाली हूँ। मुझे क्या लगता है ना, जिस दिन आपको अच्छा फील करना हो ना, उस दिन अगर आप अच्छे से रेडी हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज मैं थोड़े अच्छे से रेडी होंगी इतने दिनों के बाद, और अच्छा फील करूंगी। नैना तुम मेकअप करोगी?
हाँ जी भाई, मतलब अच्छे से रेडी होना है, दिन दिहाड़े को मेकअप करके नहीं जाना है। अरे भाई बिल्कुल नेचुरल सा लुक होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा मेकअप नेचुरल अच्छी और ग्लोइंग लगेगी मेरी स्किन। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, ऑलरेडी शाम हो गई है। 5 मिनट लगे, वैसे भी मुझे ज्यादा केकी मेकअप पसंद नहीं है, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए जिससे कि मेरी स्किन में ऐसा लगे कि मैं नेचुरली ग्लो कर रही हूँ। सो इसीलिए टुडे आई विल बी यूजिंग ममाअर्थ ग्लो सीरम बीबी क्रीम। ये इतना लाइट आता है ना आपकी स्किन पे, और सबसे अच्छी बात तो पता है इसकी क्या है कि इट नेचुरली ब्लेंड्स विद योर स्किन एंड मेक्स योर स्किन लुक वेरी ब्यूटीफुल। अभी देखना तो मैजिक। इट इज सो लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कवरेज विच इज लॉन्ग लास्टिंग थ्रू आउट द डे। इट इज वाटर रेजिस्टेंट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड also made safe certified, which means it is free of toxins and safe to use, and also it provides natural tinted glow. aur sabse achhi baat to pata hai kya hai ki aapko sun damage se bhi protect karta hai, because isme hai spf 30 pa++। अभी मेरा लुक थोड़ा सा अधूरा लग रहा है ना, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट। दिस इज आल्सो फ्रॉम ममाअर्थ, और मेरे पास ये 3 शेड्स में है। ये टिंट्स मल्टीपर्पज है एंड दे आर क्रीमी मैट लॉन्ग लास्टिंग एंड आल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो गाइस आई एम रेडी, अगर आपको पूरा लुक देखना है तो 1 सेकंड मेरा वेट करो। रेडी हो गई ना, मैं एकदम से रेडी। यानी इतना अच्छा टिंट था ना, एकदम नेचुरली ब्लेंड हो रहा था मेरी स्किन में, तो मजा आ गया इसे लगाते हुए। देखो प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अगर ममाअर्थ के बारे में बताऊं तो इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें जब भी आप ममाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देगी, और 2025 तक ये एम कर रहे 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और अच्छी बात यह है कि अब आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपके नजदीकी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, बट अगर आप इन्हें ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नायका से ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ममाअर्थ के ऑफिशियल ऐप से या फिर ममाअर्थ.in से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2023, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इन सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड प्लीज लेट मी नो मेरा लुक आपको कैसा लगा। चलो 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 चलो, मतलब पहननी बहुत। आजा आजा, कुछ नहीं, मैं पकड़ लूंगा, आजा आजा। सीरियसली मजाक नहीं है। क्यों पहनती है हील्स लड़कियां? नैना अभी तो बहुत स्टीप है, हमारी गाड़ी एक्चुअली नीचे खड़ी है। और क्यों खड़ी है वो भी बताते हैं आपको। चल भाग भाग भाग, जाकू जा मैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, नहीं ऐसे मत करो। इस वजह से हमारी गाड़ी नीचे खड़ी थी, ये पॉटी नहीं, इस वजह से ये कलवर्ट पाइप आज ही लगी है, अदरवाइज यहाँ ड्रेन बना दी थी, क्योंकि आपने शिमला में देखा ही होगा कितनी बुरी हालत हुई है, तो इस वजह से यहाँ ड्रेन बनाई थी। वो ड्रेन की वजह से हमारा जो रास्ता है वो कट गया था, तो हम गाड़ी ऊपर नहीं ले जा पाए थे, गाड़ी हमको नीचे खड़ी करनी पड़ी थी, लेकिन अभी कलवर्ट पाइप लग गई है तब तो गाड़ी जा सकती है। ओह माय गॉड, रोड पे गाड़ी खड़ी करने के साइड इफेक्ट्स देखोगे, धूल धूल हो गई यार सारी। उफ। हाँ जी यहीं से बैठना है। हाँ जी बिठा दो, 1 घंटे के बाद पहुंच रहे तुम। एक्सरसाइज होगी, अब मुझे क्या पता था यार, मेरी किस्मत तो अच्छी समझती थी मैं, अब मुझे क्या पता था कि इतना चल के आना पड़ेगा मुझे नीचे। नहीं अभी कलवर्ट पाइप लग गई है तो अब हम ऊपर जा सकते हैं। लास्ट व्लॉग में बात कर रहे थे हमारे घर में पार्किंग है, ज्यादा शो ऑफ हो गया। ये पानी मार दे गाड़ी पे, आगे पानी डाल दे। हाँ ऐसी पानी डालना पड़ेगा, बहुत धूल है बाहर, जल्दी करो। हाँ हाँ जल्दी करो भाई, ऐसी गाड़ियां फंसा दी है, ना पीछे कर पा रहा हूँ ना आगे कर पा रहा हूँ, मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। निकल रही है, ओके कंडक्टर ना होना तो यहाँ बहुत मुश्किल है, मेरा कंडक्टर पर ही कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है, हर कहीं ठुकवा भी सकता है। बस बस आ जाओ, सुन नहीं रहा है सर, नहीं तो मेरी बैंड हो जाएगी। हाँ जी आइए आइए, कंडक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ब्लॉग में देखना हो तो। मेरी बुराई कर रहे होगे तुम, अच्छाई तेरी अच्छे से आसानी से करोगे नहीं। हर जगह से रोड की हालत तो भाई, ओह गॉड, दिस इज सो डिसहार्टनिंग। यस दिस इज डिसहार्टनिंग, बट उसके साथ साथ ना जो हमारी गवर्नमेंट है और जो एम्प्लॉइज है सब बेचारे दिल जान लगा के इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जिस दिन ये गिरा था उस दिन से क्लियर करने भी लगे और अब तो फिर से रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हम फिर से नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सही कोर्स है सच में। ओ माय गॉड, अभी पता क्या हुआ, हम ना ऐसे ट्रैफिक से क्रॉस कर रहे थे और आवाज आती है रजत भाई, मुझे लगा रजत का कोई रिश्तेदार होगा जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। कोर्स बहुत अच्छा था और मैं रजत को देख रही हूँ, ये क्या यार, इतनी खुशी होती है ना। एक्चुअली आप लोगों ने वैसे तो मेल्स किए हैं और कोर्स में भी काफी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए हैं, मैंने शेयर भी किए थे इंस्टाग्राम पे कुछ, तो जैसे पर कोई सामने से मिलके ऐसा बोलता है ना, इससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अब तो और बढ़िया वीडियो डालेंगे और अच्छे से समझाएंगे। जाओ कोर्स में एनरोल करो,
अगर आपको पता नहीं चल रहा है ना हम क्या बात कर रहे हैं, फटाफट से हमारे कोर्स पे जाइए, उसको एनरोल कीजिए और आपको सब पता चल जाएगा। पोस्ट में आपको दिख जाएगा हमारा कोर्स और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल ही देंगे। यस चलो, ये है हमारा सुंदर शिमला और ये है चर्च और वहीं रिज है और ये मॉल है। नहीं एक ही खाएंगे? नहीं जज, एक बहुत तो खाने तो तुमको नहीं, नहीं मुझे एक ही, यही दो बस। एक कौन मिक्स? नहीं ना मैं नहीं खा रहा हूँ वो, नहीं मैं बस थोड़ी सी खाऊंगा। और इसी के साथ हम मॉल रोड पहुंच चुके हैं और हमारी मॉल रोड की जर्नी एक्चुअली शुरू ही होती है एम्बेसी से, जहाँ हम खरीदते हैं आइसक्रीम, क्योंकि यार हम पैदल चल के आते हैं, हम लिफ्ट से नहीं आते यूजुअली, सो चल के थोड़ी गर्मी लग गई तो सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। और बोल के रजत ने ये ली थी, मैं नहीं खाऊंगा तुम ही खाना, परांठों के टाइम भी ऐसे ही करता है और अब आइसक्रीम के टाइम भी ऐसे, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ। तुमने हाय बड़ी भैया शॉप तो कुत्ता है आपने रखा है? ओए ये पीछे घर है, मुझे लगा आपने चौकीदारी के लिए रखा है। यहाँ तक आ ही गए हैं ना तो यहाँ के गोलगप्पे भी खाते हैं जी। नहीं मुझे बहुत नहीं नहीं, कितनी देर तक हो आप अभी? गोलगप्पे खाने इतना टाइम है। थैंक यू। तुम क्यों खा रही हो? डिजाइन सोचा है? तभी यहाँ तक आई हूँ। आपको पता है इसकी शादी में भी आप ही ने लगाई थी मेहंदी? मुझे भी तो लगाई थी, मुझे अभी याद आया। दोनों हाथों पे ना? Yes, I'm newly married. तुम्हें नहीं पता? हाँ मुझे पता है। ये डिजाइन के बीच ना कहीं रजत भी लिख ही लेना, थोड़ा बहुत लिख ही लेना। यहाँ पे ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, इसलिए मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि कब यहाँ टका बेंच पे आऊंगी और कब मेहंदी लगाऊंगी। और मुझे अभी याद आ रहा है जब मेरी सगाई हुई थी तो भी यहीं से मेहंदी लगवाई थी, शादी में भी ऑफकोर्स यहीं से मेहंदी लगवाई थी और आज भी यहीं पे लगवा रही हूँ। जब तक नैना मेहंदी लगा रही है मैं आपको रिज का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से एक्चुअली रिज व्यू पॉइंट है और यहाँ से रिज क्या मस्त दिखता है, अभी धुंध आई है। नैना तुम सामान वगैरह कैसे पकड़ोगी? तू तो ठीक है, पर पर्स? पर्स तो नहीं मैं उठाऊंगा भाई, तू ऐसे गले से चिपका लियो उसे, मेरे गले में माला की तरह डाल देना। हाँ मुझे अभी इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा, क्या है इस जगह को टका बेंच क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इस पूरी जगह को ही टका बेंच बोलते हैं ना? बिकॉज़ क्या होता था ना अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ बैठने के लिए टका देना पड़ता था, मतलब पैसे देने पड़ते थे धूप सेकने के लिए, और यहाँ पे बेंचेस होते थे बैठने के लिए, तो इस जगह का नाम पड़ गया टका बेंच। ओ भाई अंग्रेजों ने मतलब हर तरह से लूट दिया हमारे ही देश में आके, हमको ही लूट के चले गए। फाइनली खत्म। उफ मेरी हालत खराब हो गई अब तो। ओके ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो ये नहीं पकड़ रहा मैं, पकड़ना पड़ेगा, मैं ऐसे मैं ऐसे घुमाऊंगा ये इतना। अच्छा रुक जा इसको बाजू में डाल दो। अरे कोई नहीं मैं पकड़ लूंगा, मजाक कर रहा हूँ। अरे बाप रे अब तो पूरे शौक पूरे करेगी ना? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मेरी कमर टेढ़ी हो गई यहाँ पे। अभी हमने क्या रियलाइज किया कि हम पहली बार एक्चुअली पहली बार, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कितने टाइम कितने महीनों या सालों पहले हम ऐसे शाम को मॉल पे घूमने आए होंगे, सिर्फ मैं और नैना। मुझे अलग सा लगा मैंने तुम्हारे भाव नहीं बढ़ रहे हैं कुछ ज्यादा ही? थैंक यू। कान के पीछे बाल भी डालो, ऐसे मुंह को आगे से साफ करो, मेरी आंख में जा रहा है। क्या हो गया? निकाल दिया। थैंक यू। ओके काम निकला और निकल लिए, मैं अभी कर भी सकता हूँ खराब। मेहंदी का छाप पड़ेगा हाथ पे गाल पे। तो गाइस अब जाके हम घर पहुंचे हैं और ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने रक्षाबंधन के लिए, और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी भी सूख गई थी, मैं मार्केट में झाड़ के आ गई वरना घर पे गंदा। कहाँ गया रजत? रजत तो यही है बट आर है इधर। नहीं पूरा ढूंढो, पूरा नाम भी है कहीं पे, मुझे नहीं मिल रहा। चलो आराम से ढूंढूंगा। एक बात बताती हूँ तुमको भी और आपको भी, पता है कि जैसे ही ना मुझे ना जब से मैंने मेहंदी लगाई ना मुझे ना कुछ अलग सा फील हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्यों, जैसे ना कुछ इमोशंस जैसे कुछ अलग सा फील कर रही थी मैं। फिर मुझे ध्यान आया इस मेहंदी की खुशबू और इस ऑयल की खुशबू
एग्जैक्टली वैसी है जैसी मुझे मेरी मेहंदी वाले दिन पे आ रही थी, और वही फीलिंग्स और इमोशंस मेरे वापस आ रहे थे. सो मुझे इतना मतलब ऐसा लगा ना कि क्या कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. और जैसे भी मैं घर पहुंची ना, तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या हो रहा है. सो बड़ी अच्छी सी फीलिंग थी ये. मुझे सुबह का इंतजार रहेगा कि कब मेरी मेहंदी का रंग चढ़ेगा. क्या हो रहा है? आज बन रही है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि ये मेरी मम्मी की फेवरेट है. बट मम्मी की फेवरेट सब्जी क्यों, बताओ तो सही. क्योंकि मैं मम्मी से इतना प्यार करती हूँ, अब मम्मी से तो मिल नहीं पा रही, मम्मी का फेवरेट खाना ही खा लेती हूँ. नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ. एक्चुअली आज मम्मी आने वाले है, इसलिए मैं उनकी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ. एक्चुअली मम्मी इसलिए आ रहे क्योंकि मम्मी को हम इंसिस्ट कर रहे थे कि शिमला आ जाओ हमारे पास. बहुत टाइम से मम्मी नहीं आ पाए थे, नैना के मम्मी वो गाँव में बिजी थे, तो हमने उनको बुलाया था. तो हमने बोला था कि हम आपको आधा रास्ता लेने आएंगे और आप आधे रास्ते कैब में आ जाना. मम्मी ने फिर भी हमको बोला था कि भाई मैं शिमला तक आ जाऊंगी, तुम बिजी होते हो. और एक्चुअली यही हुआ कि हमारा काम आ गया और अब मैं बिजी हो गया. देखते ही होगे कि मैं घर पे कभी इतना रेडी नहीं रहती. मैं इसलिए रेडी हुई थी कि हम जाने वाले, और रजत ने भी बाल बुल बना के रेडी था. एग्जैक्टली मोमेंट पे हमारा काम आ गया. तो जरूरी काम था इसलिए मैं कर रहा था काम. और नैना ने सोचा कि मैं मम्मी के लिए मम्मी की फेवरेट सब्जी तो बना ही देती हूँ. कहीं से तो मम्मी को पैम्पर करे, पहले सुबह सुबह ही धोखा करना पड़ा मम्मी के साथ, जिसको करते हुए हमें ज्यादा दुख हो रहा था. यार जाना था हमें भी, हम भी थोड़ा और घूम फिर के आ जाते, बट नहीं जा पाएगा. काम कर रही है और रजत अपना काम कर रहा है, और आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में. ऐसा बोलते हैं ना कि आपका पार्टनर जितना आपसे प्यार करता है, उतनी मेहंदी आपकी गाड़ी ही लगती है. भाई एक दिन में इतनी गाड़ी है, देखना कल इतने और आ जाएगी. इस लड़की ने ग्रिल पे डाल दिए व्हाइट कपड़े. व्हाइट कपड़ों पे दाग नहीं पड़ेंगे ग्रिल में? निकालने दो ना, इनमें पक्का दाग लगेंगे. देखो ग्रिल में दो बार हो गया. अच्छा ये लो लगाना. आज हमारे सारे वाइट्स का दिन था, सारे वाइट कपड़े धोए थे. कल हमारी बेडिंग का दिन था, सारी बेडशीट्स वगैरह धोई थी. और हमारे पड़ोसी हमें लॉन्ड्री वाले कहते हैं कि हम हमेशा कपड़े धोते रहते. और ये टैग मिला है मुझे मिस्टर रोहित शर्मा की वजह से. कहते हैं नहीं नहीं ये भी गंदा हो गया, ये भी साफ करते हैं, वो भी साफ करता है, ऐसे ऐसे करके हमारे रोज ही कपड़े धुल रहे होते. मुझे मम्मी का फोन था, वो पहुंचने ही वाले हैं. सोचा घर पे दूधी ने दूध लेके आती है. रुको मैं भी चलता हूँ. मुझे सुनो तो सही, सुनो तुम क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मेरा गैस अब हमारी खराब है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्विसिंग के लिए बुलाया था. तो वो भैया भी आने वाले हैं, तुम उनको देखो. अरे मैं काम करके थक गया था, मुझे भी था कि सांस लूं. देखना ना काम कैसे करते वो देखना तुम. मैं आई फटाफट. ओके भाई. ये ना खुद तो मार्केट चलेगी और मुझे यहाँ फंसा दिया कि देखते रहना सामने. यार भैया ने जैसी गैस खोली ना, मेरी सफाई के कीड़े जाग गए और मैं चला गया सफाई करने. और वे लड़की कैमरा उधर स्टॉप कर रहे हो मुझे. मैं पता क्या करती, मैं कहीं ये तो नहीं होगी, वैसे तो पहचानी भी नहीं. नमस्ते जी. नमस्ते जी. बैठ जाओ गाड़ी में, लिफ्ट मिलेगी ऊपर तक. हम नहीं देते लिफ्ट का, सामान के ऊपर बैठना पड़ेगा. हाँ हाँ थोड़ी सी जगह बना दो. बना देते हैं भैया, देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे इलाके में आगे तुम हमारे. तबीयत कैसी रही? तो बढ़िया लग नहीं रहा आपकी शक्ल देख. मम्मी के पास गाड़ी में जगह नहीं थी, तो मैंने सामान छोड़ दिया क्योंकि पैकेट हैवी हो रहे थे. बाय. और मैंने कहा आप लोग चलो, जब तक आप पहुंचोगे मैं भी पहुंच जाऊंगी. तब मैं भाग भाग के जाती हूँ प्रेम के पीछे. ये क्या कर दिया? मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, मम्मी गाड़ी में इतना सारा क्या सामान लाए थे कि मेरे बैठने तक की जगह नहीं थी. रजत तुम्हारे को पता है गाड़ी के पीछे दौड़ती दौड़ती आई थी. अरे भाई पहाड़ी लोग हैं, आजकल हमारे गाड़ियों में सेब सेब भरे होते हैं. अभी मम्मी को ये हो रहा है कि मुझे तो अपने घर ही जाना है, मुझे वहाँ पे ये काम है वो काम है. तो फिर मैं और रजत ने डिसाइड किया कि हम भी साथ ही चलेंगे. मम्मी को देखो कैसे बैठे. मम्मी दीवार क्यों लगाई है? इसके पास भी सामान है, यहाँ पे भी सामान है. सामान ही है मैंने उधर. अब तुम आके बैठ जाओ क्योंकि मम्मी बोल रही थी रजत की टांगे लंबी है, तो वो पीछे नहीं आ रही थी, उसको आगे बिठाओ. यहाँ से भी गिर गया, यहाँ से भी गिर गया. तो जब मैं बोल रही थी रहने दो सामान गाड़ी में जगह, देखना पेटी आए तो आपकी मैडम उतनी है, पेटी के नीचे दब जाएगी बेचारी. इतना भी नहीं है, काफी स्ट्रांग. पहुंच गए इसी शहर में रह के पता नहीं कितने टाइम बाद अभी मेरा घर आना हुआ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ के. और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो देख के. प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.